साथियों, इस दर्द की घड़ी में समाज के ऊपर जो विपत्ति आई है, पंजाब के धर्माचार्य द्वादस के संस्थापक सचिन रावण जी पंजाब से पहुंचे हैं, दो दिन से लगातार यहां पर हैं, और इनके साथी फगवाड़ा से प्रधान जी हैं सफाई धर्मवीर सिद्धी जी फगवाड़ा से आए हैं, तुलसी राम खोसला जी पूरी टीम के साथ पंजाब से आए हैं। मैं धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि कल का जो भारत बंद है और जो मूवमेंट है, इसके विषय में कुछ जरूर। जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत। अज असी जो कि एक गुड़िया का बलात्कार किया, उस तो बाद जिंदा चलाने की कोशिश की गई है, वो संबंध च असी दिल्ली पहुंचे, क्योंकि संदीप वाल्मीकि जी लगातार लगे हुए मीडिया के उन्होंने आवाज़ में बुलंद करने वास्ते पंजाब तो असी इतने पहुंचे हैं, ता कि असी तो बच्चे का दुख साझा कर रहे हैं, तो दुख बढ़िया बंद हो जाता उस बच्चे को, जिंदा तो असं नहीं कर सकते। प्रशासन तो केंद्र सरकार तो जी दिल्ली सरकार की मांग करते कि जोड़े बंदे फड़े गए हैं इन्हों जल्द तो जल्द फांसी दी जाए, अगर साड़ी मंगा नहीं मनिया गया तो पंजाब का पंजाब की पूरे देश असं और लहर चलावे, मैं पूरा जी जी कमी हो गई पंजाब से भुग दूंगा। अभी कल के दिल्ली आवाम फंड में पूरे भारत वासियों को अपील कर रहे हैं कि जी बंदी कल दी गई सफल बनाओ, ता कि इतने जोड़े प्रशासन उन्हें पता लग लग जाए कि वाल्मीकि समाज जाग उठा। संदीप जी, तुम चिंता ना करो, असं थोड़े न हर वेले मोटे ना मोटा जुड़ खड़े हैं, और जो तुम कर रहे हो, जो साढ़े वीर जी कर रहे हैं, कांगड़ा जी कर रहे हैं, अभी तो प्यार सदा तो आश्वासन दाने कि तुम जल्द पंजाब के बंद दस तो जल्दी कर पहुँचोगी। जय भीम, जय वाल्मीकि, हर आने वाले। जय भीम, जय भारत। तो अज असी देश की राजधानी दिल्ली विखे नागल गांव विखे पहुंचे हाँ, जो कि संदीप लंबे समय तो इस मंच में करा रहे थे, उन्हों की आवाज़ की बुलंद को देख के, उन्होंने स्नेह देख के असी अज फगवाड़ा पंजाब तो मैं जय भीम कारपोरेशन ऑफ फ्लाई जूनियर तुलसी राम खोसला चेयरमैन और मेरे नाल धर्मवीर सेठी जी प्रधान कुमार वाल्मीकि एक्शन कमेटी और साढ़े आल इंडिया एंटी करप्शन फाउंडेशन फॉर पीपल के चेयरमैन डॉक्टर दर्शन कटारिया जी और साढ़े हलका विधायक MLA वरिंदर सिंह धारीवाल जी, उन्होंने मैसेज लैके अभी इतने पहुंचे हाँ। असी यह दुख साझा कर आए हैं कि जो पिछले दिन इंडिया के नाल दरिंदिया ने जो दरिंदगी दिखाई है, और उस तो बाद एक बड़ी शर्मनाक घटना जिहड़ी कि जिंदा शमशान के विच जला दिता गया, और इस तो नीच जिहड़ी है वह घटना कदे हो नहीं सकती। असी उन्होंने दोषियों को सज़ा दवाने लिए, उन्होंने फांसी दवाने के लिए तत्पर हाँ, और असी यह सुनेहा लेके आए हैं कि पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया संदीप जी थोड़े नाल खड़ी है, थोड़ा मंच अज पूरी दुनिया देख रही है। तुसी जो कल दिल्ली पुदे भारत बंद का सदा दिता और पंजाब के अंदर लोग थोड़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े आ, कोई भी मूवमेंट चलती है और पंजाब सब तो मूहरे हुंदा। मैं एक गल दसनी चाहुंदा इस मंच के उत्तों कि संदीप जी, तुसी पूरे भारत के जो SC जथेबंदियों के आगू है, उन्होंने एक पंजाब पूरे भारत की एक मीटिंग सदो, मीटिंग तो बाद एक कमेटी बनाई जाऊगी, जो देश का SC कमीशन है वो बिल्कुल सरकार के इशारों पर चलता है, कदे भी इंसाफ नहीं मिलता। जे साडे लोगों के इंसाफ की गल करनी है, गल सरकार के गल च कूठा देना है, तो सानू एक अपना मंच तैयार करना पवेगा जो कि SC कमीशन के उत्ते अपना हाथ रखेगा, और जे नहीं सरकार कर सकती, मानयोग राष्ट्रपति साहब जी तो मैं मन करदा भी SC कमीशन जाता मानयोग सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के हथा दिता जाए, नहीं तो साढ़े SC समाज का बोर्ड बना के वो हथा में सौंपया जाए, ता कि जो यहोजे दरिंदे आ इन्हों फस्ट ट्रैक पर केस करके विद इन 5 महीने के फांसी दी जाए, ता कि किसी को यह हिम्मत ना पवे जो SC समाज दिया लड़कियां धियां भैनों के नाल अत्याचार हो रहा। और मैं फिर मंग करदा वे संदीप जी, थोड़े ना पूरा देश खड़ा, पूरी दुनिया खड़ी है, बिल्कुल भी टुरना नहीं, जिनी देर तक इन्हें दरिंदियों को फांसी नहीं दी जाती उन्नी देर तक असी तत्पर हैं। जल्द ही असी पंजाब के अंदर एक मीटिंग भी बुलावे और थोड़े नाल हैं। जय भीम, जय भारत। गुरु सचिन रावण जी हैं, ये पंजाब से हैं, सभी तरफ प्रेमियों को जय वाल्मीकि। पंजाब से स्पेशल टीम एक आई है जो धर्मवीर सेठी जी, तुलसी राम खोसला जी और अन्य साथी पंजाब से आए हैं, तो इस मूव
गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और इस आंदोलन में जो लोग खास तौर पर वीर संदीप वाल्मीकि जी इस मूवमेंट को चला रहे हैं, हमारे बुजुर्ग चला रहे हैं और लोग चला रहे हैं, इनका सबका साथ देने पे हमारे पगवाड़ा पंजाब पगवाड़ा से लोग आए हैं, इनका दिल से मैं गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इस मंच पर और वीर संदीप जी को पूरा यकीन आश्वासन दिया है कि अगर दिल्ली बंद होगी तो पंजाब भी बंद होगा। तो पंजाब में कल बहुत बड़ी लेवल पर मीटिंग रखी जाएगी, पूरे पंजाब में कल कैंडल मार्च निकाले जाएंगे और कल मीटिंग भी रखी जाएगी और फिर एक कॉल की आवाज दी जाएगी कि पंजाब बंद कब होगा। तो मेरा तमाम व्यक्तियों से, समाज के लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जो ये बेटी है, ये पूरे बहुजन पूरे भारत देश की बेटी है, तो इस बेटी को इंसाफ दिलाना हमारा हक बनता है। कब तक हम अपनी बेटियों का बलात्कार करवाते रहेंगे? तो साथ दे आप सबका धन्यवाद। जय वाल्मीकि। आप भी अपना बता भी दो कहाँ से आए। मैं डॉक्टर उर्मिल कालरा, इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट, पटियाला पंजाब से। तो जय वाल्मीकि जी, जय भीम सभी को। ये बहुत ही एक दुखी घड़ी है जो हमारी बच्ची के साथ दिल्ली कैंट में हुआ है और हम अपना दुख एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और हम आज आज़ादी के 70 साल बाद भी बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जनरल समाज का कोई भी संगठन कैंडल मार्च या प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर नहीं आया। और मेरे समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, जब भी किसी निर्भया हो या कोई और घटना हो, सबसे आगे होते हैं। हमें इस बात का दुख है और इतने सालों के बाद हमें फिर पानी पीने का अधिकार नहीं है। बच्ची का क्या कसूर था, वो पानी ही लेने गई थी। सो हम सरकार से मांग करते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले। और मैं अपने वाल्मीकि समाज से अपील करती हूँ कि राजनीतिक पार्टी संगठन छोड़कर एक वाल्मीकि होने के नाते बच्ची के इंसाफ के लिए आगे आवाज। जय भीम, जय भारत। साथियों, अब आप हमें समझना पड़ेगा ये क्रोनोलॉजी कैसी चल रही है। पहले एक कांड हुआ था, मद्रासा कांड हुआ था, वहां पर कांड करा के पुलिस ने अपने हाथ से जलाया। और यहां पर देखिए पुलिस ने क्या किया है, वो जलाने के लिए भी उनके हाथ में ही दे दिया है। इसका मतलब ये इनकी साजिश है। और अब ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि अब इन चीज़ों का फैसला हमें अपने आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपनी नीति से चल रही है और उन्होंने तरीके ढूंढ लिए हैं कि जो ऐसे हादसा करता है उसको कैसे बचाना है और उसको कैसे प्रोटेक्शन देनी है। जिसके साथ हादसा हो जाता है उसको तो प्रोटेक्शन मिलती नहीं, और जो हादसा करते हैं उनको फुल प्रोटेक्शन दी जाती है। और भाइयों, जो हम ये आवाज देते हैं कि हमारी वाल्मीकि की बेटी है, वाल्मीकि की बेटी नहीं है, ये ऐसी समाज की बेटी है, देश की बेटी और पूरे देश की बेटी है। और जब तक हम इसको वाल्मीकि से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक संगठन नहीं बनेगा। मैंने पहले भी कहा था वाल्मीकि का नाम मत लो, बोलो बाबा साहब ने बोला था एससी में सभी हैं। तो जब तक हम एससी बन के एक साथ नहीं निकलेंगे, जब तक काम नहीं बनेगा, ये वाल्मीकि का शब्द हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे डिवाइड हो जाते हैं, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज एक टाइम आ गया है कि जब हमें सबको कंधे से कंधा मिला के एक साथ चलना पड़ेगा और एक साथ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ना हम सहन करने वाले हैं, क्योंकि हमने देख लिया हाथरस में भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, जो ये कांड कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और अभी इसके साथ एक और कांड हो गया। अभी हमारी एक विनीता वंदना है जो हॉकी प्लेयर है, देखिए वहां पर क्या कर रहे हैं लोग। मतलब कि चारों तरफ ये इनकी पॉलिसी बन गई है कि इन लोगों को कैसे हरेस करना है, इनको कैसे पीड़ित करना है, इनको कैसे दबाना है। अब वो समय नहीं है कि हम दब जाएंगे, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। हमें सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा नहीं है। धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम सुखदेव है और मैं जिला कैथल से, हरियाणा से आया हूँ। वेरी गुड। और
यहाँ पे अभी जो ये दुख की घड़ी है इसमें हम हरियाणा से पूरे साथ खड़े हैं, पूरे जो बेटी है इसको बचाने इसके साथ दिलाने के लिए। और हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी जैसे कि अभी पूरे समाज ने बंद का आह्वान किया है उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी ट्रेंड करवाएंगे। और जैसे कि ये अभी आज अनाउंस हुआ बिल बंद करेंगे, इसको पूरा सफल बनाएंगे और इस बेटे को इंसाफ दिलाएंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जितने वकील हैं वो सारे ऐसे समाज के वो एक इस पे कड़ी जो है कानूनी कार्रवाई करें, इस तरह की कोई ऐसा फॉर्मूला निकालें कि सरकार इसको माने और एक निश्चित समय में फास्ट ट्रैक के तहत एक निश्चित समय में सभी को जो दोषी हैं वो सजा मिले और आगे भविष्य में कोई इस तरह की दरिंदगी ना करें। कुछ ऐसी मिसाल हमें कायम करनी पड़ेगी। जय भीम।